गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 7, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूट्रिशन? सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं. इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. जब फूड को हम टेक करते हैं यानी लेते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई फूड को लेते हैं या इनटेक करते हैं, तो उसके बाद फिर वो फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं बॉडी के थ्रू, तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसा कि आप फूड खाते हो, फूड से अब आपको क्या गेन होता है? एनर्जी गेन होता है. कैसे गेन होता है? क्योंकि वो फूड का आपके बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स. पार्ट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. ये कैसा कॉम्पोनेंट्स है जो आपके बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है? ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जब फूड को यूटिलाइज करते हैं, तो उसे क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. और ये इस एनर्जी से क्या होता है उसके बॉडी में? उस एनर्जी से उसको ग्रोथ होता है, उसके बॉडी का मेंटेनेंस होता है. ठीक है, बॉडी में रिपेयर का काम चलता है. ओके, अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड. जैसा कि आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज. ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में न्यूट्रिशन का मोड कैसा होता है, तरीका कैसा होता है, टाइप कैसा होता है, वो जानेंगे. डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज द मोड ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, द ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्लेस इंटू टू ग्रुप्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट में बांटेंगे. एक हो गया ऑटोट्रॉफिक, नेक्स्ट हो गया हेटरोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक, हेटरो मीन्स डिफरेंट और अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. अब पढ़ेंगे हम लोग कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं. द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पढ़ेंगे हम लोग, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, केवल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं. किसके थ्रू, किसके यूज के थ्रू करते हैं? वाटर के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू एंड मिनरल्स के थ्रू. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, therefore plants are called autotrophs. और ये सारे क्या होते हैं? water, carbohydrate, minerals, ये raw materials होते हैं. इसकी मदद से, इसकी help से plants क्या करते हैं? अपने food को बनाते हैं. ठीक है, और ये raw material को कहाँ से obtain करते हैं ये plants? अपने. ठीक है, इसलिए plants को हम लोग क्या बोलेंगे? autotrophs भी बोलेंगे. ठीक है, अब next है photosynthesis process. ये photosynthesis process आप लोग जानते हैं कि ये प्लांट्स में होता है. ठीक है, तो ये डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि मैंने एक प्लांट बनाया है और प्लांट में दो लीफ बनाया है. ठीक है, ये लीफ, लीफ में मैंने क्या लिखा है? क्लोरोफिल इन लीफ. ठीक है, यहाँ मैंने प्लांट्स का रूट बनाया है और मैंने क्या इंडिकेट किया है यहाँ पर? वाटर एंड मिनरल्स. उसके बाद
मैंने यहाँ सनलाइट दिया है, ठीक है, और सनलाइट से क्या इंडिकेट किया है कि यहाँ से एनर्जी जा रही है लीफ में, ठीक है, और ये सी ओ टू है, सी ओ टू जा रही है लीफ में सराउंडिंग एरिया से यानी इन्वायरमेंट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ओ टू यानी ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ठीक है, और मैंने लीफ में रेड रेड डॉट डॉट जिसे हमने इंडिकेट किया है फूड से, ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सी ओ टू एंड वाटर टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहे हैं ये ग्रीन प्लांट्स में हो रहे हैं, ये सारे प्रोसेस को हम क्या किस नाम से जानेंगे, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानेंगे। यहाँ पे ये प्लांट जो है सनलाइट की हेल्प से, सी ओ टू की हेल्प से, लीफ में जो क्लोरोफिल है उसकी हेल्प से, और रूट में वाटर एंड मिनरल्स है इसकी हेल्प से वो क्या बना रहे हैं, फूड को बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है फूड को रेड पॉइंट से इस लीफ में। तो ये जैसे सारे जो प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो होते हैं जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस में कैसे होते हैं, वो फूड को कैसे बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। फूड का जो सिंथेसिस होते हैं प्लांट्स में वो किस में होते हैं, किसके द्वारा किस में होते हैं, लीव्स में होते हैं। यानी मैंने अभी अभी आपको बताया कि लीव्स में ही फूड बनते हैं, ठीक है, यानी फूड का सिंथेसिस लीव्स में होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। जैसे कि फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से तो आप पहले से जानते होंगे फैक्ट्री क्या होता है, सपोज डैट कि क्लॉथ का फैक्ट्री, शूज़ का फैक्ट्री, जहाँ पे क्लॉथ बनते हैं उसको फैक्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे शूज़ का फैक्ट्री होता है उसको शूज़ का फैक्ट्री बोलते हैं। तो वैसे ही लीफ में जहाँ खाना बनता है यानी जहाँ फूड बनता है लीफ में, यानी कि फूड का जो सिंथेसिस हो रहा है वो लीफ में हो रहा है, इसीलिए लीफ को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। यानी जितने प्लांट्स हैं उसके लीफ में प्लांट्स फूड बनते हैं, इसलिए हम लोग प्लांट्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लीफ को फूड फैक्ट्री कहते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। और ये जितने भी रॉ मटेरियल है उसकी हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और ये लीव्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से। सॉइल्स में वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये दोनों को अपनी रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। और लीव्स में और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, तो ट्रांसपोर्टर के बारे में हम लोग अगले मतलब आप जब ऊँचे क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे। CO2 form air in taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. अब ये CO2 है, ये CO2 कहाँ से आते हैं, एयर से, और ये क्या करते हैं, लिप्स में एक टीनी पोर्स होता है, इतने छोटे पोर्स जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स में, और ये टीनी पोर्स के पोर्स में ये CO2 क्या हो जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, उस पत्ते में, प्लांट्स के पत्ते में ये CO2 चले जाते हैं, एक टीनी पोर्स है। वो टीनी पोर्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ स्टोमेटा, द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो गार्ड सेल के थ्रू सराउंडेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। यानी वो टीनी पोर्स को किस नाम से जानते हैं, स्टोमेटा के नाम से, जो लिप्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, एक सेक्शन बनाया है लिप का सेक्शन, जो माइक्रोस्कोप से अगर लिप को देखा जाए तो इस टाइप का सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, और स्टोमेटा इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया लिप्स,
लिप्स के कॉर्नर में मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, यहाँ बहुत सारे छोटे 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 स्टोमेटा होते हैं पूरे भरे हुए, ठीक है, और मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, देखिए यहाँ पे दो मैंने गर्ड सेल बनाया है और बीच में एक ओपनिंग पार्ट है, ठीक है, जिसको स्टोमेटल पोर या ओपनिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ गर्ड सेल बनाया है, ओके, और देखिए यहाँ पे सेक्शन थ्रू ए लीफ, लीफ का जो सेक्शन किया है, सेक्शन काटा गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये सबको इंडिकेट किया है क्लोरोफिल से। उसके बाद यहाँ पे गार्ड सेल होते हैं, यहाँ पे स्टोमा होते हैं, स्टोमा, ठीक है, तो ये सारा स्टोमेटा का फिगर है। अब हम जानेंगे क्लोरोफिल क्या होते हैं। द लीव्स हैव क्लोरोफिल, ठीक है, एंड क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जो होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, लीव्स में, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये लीव्स में जो क्लोरोफिल होते हैं, तो ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है कि ये सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करते हैं। जब तक ये लीव्स एनर्जी को कैप्चर नहीं करेंगे सनलाइट से, तो फूड कैसे बनाएंगे, तो ये क्लोरोफिल उसकी हेल्प करते हैं। और एक बात है कि जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है, वो पिगमेंट के कारण लीव का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। और ये मतलब बहुत रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है फूड के सिंथेसिस में, ओके। अब ये फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट यूज CO2 एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट एन इक्वेशन। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोफिल की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, CO2 की हेल्प से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड का सिंथेसिस करते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। तो उसको यहाँ पे एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ये प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस को शो कर रहा है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो C6H12O6, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर फार्मूला को इंडिकेट किया जाए तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है, प्लस H2O प्लस O2। तो हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये इक्वेशन है। कुछ नोट्स को पढ़ा जाए, जैसे कि सेल्स, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारा बॉडी जो होता है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उनका बॉडी सेल से बना हुआ है, उनका बॉडी सेल से बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और सेल्स को आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली ऑन सेल एंड सम आर मल्टी सेल्स। यहाँ पे वन होगा, वन, ओनली वन सेल एंड सम आर मल्टी सेल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, और बहुत सारे मल्टी सेल्स के, यानी बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। जैसे कि सेल्स के अंदर क्या, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, द सेल इज इन थिन आउटर लेयर कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। मैंने यह एक फिगर बनाया है, ये एक कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा है, अलग 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 ये सारे कंपार्टमेंट्स सेल हैं, ठीक है, और ये इसका आउटर लेयर, जितना भी आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, यानी मेम्ब्रेन लेयर जो उसको ढक के रखा है, उसका बाहरी परत।
ठीक है, एक्सटर्नल लेयर। अब है नेक्स्ट न्यूक्लियस। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल्स के अंदर सेंट्रल रूप, सेंटर में देखिए स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो सेंटर में होता है। अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब देखिए आपको न्यूक्लियस के बगल में कुछ कुछ जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहे हैं छोटे छोटे, जो मैंने डॉट डॉट से इसको इंडिकेट किया है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक होता है, जो गाढ़ा होता है, जेल की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, विदाउट माइक्रोस्कोप के आप इसे नहीं देख सकते हैं। अब है नेक्स्ट एल्गी। एल्गी को हिंदी में सैवाल बोला जाता है। अब ये एल्गी क्या होते हैं, द ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेग्नेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। आप पॉन्ड वाटर तो गए ही होंगे या पॉन्ड वाटर को देखे ही हैं, गंदे पानी को देखे ही हैं, या पहले से एल्गी को जानते हैं बट आप बता नहीं पा रहे हो कि क्या होता है एल्गी। तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप पॉन्ड देखोगे तो आपको पॉन्ड में ग्रीन कलर का पैचेस दिखाई देंगे, मतलब एक धब्बा धब्बा ग्रीन कलर का, और आपको स्टेग्नेंट वाटर, जो पानी स्थिर होते हैं, गंदे पानी होते हैं, उसको वाटर बॉडी यानी ऊपर का परत, तो वहाँ पे कुछ देखेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, एल्गी। वो ग्रीन कलर का पैचेस क्या कहलाता है, एल्गी, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सैवाल। अब वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, अब ये एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, अभी अभी मैंने कहा ग्रीन पैचेस, तो ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अभी अभी हमने बताया कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इसकी हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो ये जो एल्गी है, एल्गी में ग्रीन कलर का जो पैचेस होता है, यानी कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके